मैनर्स है? कोई और काम है? फाइट! हाय राम, इतना डीप नेक टॉप, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे आंटी, डीप नेक का आपकी सोच जितना ही तो नीचे। तुम लड़कियों का ही रात रात भर पार्टी करना, देर से घर आना ऐसे छोटे कपड़ों में, अब अरे इट्स वेरी रिस्की, हाँ लोग क्या बोलेंगे? है ना आंटी, इसलिए मैं पूरी रात पार्टी करके अर्ली मॉर्निंग घर आना पसंद करती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो छोटे कपड़े पहन सकते हैं ना, है ना? तुम्हारे लक्षण ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हाँ, पूरे दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ है? ऐसी लड़कियां ना बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आंटी, अगर लड़कों के जोक्स पे हंसने से लड़कियां प्रेग्नेंट होती ना, तो सबसे ज्यादा बच्चे अर्चना पूरन सिंह के होते। फाइट! बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, मोटी जाओगी तो कौन शादी करेगा? आंटी, आजकल ज्यादातर लोग ना शक्ल नहीं अक्ल देख के शादी करते हैं। 29 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं की? कर ले बेटा, तेरी उम्र निकली जा रही है। आपकी तो निकल गई आंटी। मेरी तो 21 साल में हो गई थी शादी। शादी करने के लिए आंटी बढ़ाई की उम्र, 21 साल की उम्र में शादी करने की जगह लॉ कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, आप जज ही इतना अच्छा करते हो। फाइट! तेरी उम्र का ना मेरा एक भतीजा है, तू उससे मिल ले, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। नहीं भी आंटी, पर हम तीनों साथ में बहुत अच्छे नहीं लगेंगे ना। तीनों? कौन तीनों? आंटी, हम तीनों से मेरा मतलब है आपका भतीजा, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड। नहीं! Fight! Blast type is showing! और आपकी मेंटालिटी भी। खाना बनाना सीख ले। हस्बैंड को लगवा दिया क्लासेस। कोई मैनर्स है? कोई और काम है? ये तू क्या बड़ों को उल्टे जवाब देती रहती है, हाँ पागल है तू? पागल नहीं आंटी, पगलेट हूँ। पागल पगलेट क्या, दोनों सेम ही तो है। नहीं आंटी, अलग है, मैं समझाती हूँ। जब लड़की लोग को अकल आती है ना, तो लोग उन्हें पगलेट ही बोलते हैं, और जो पगलेट होता है वो उल्टे सवालों का उल्टा ही जवाब देगा ना। तो मिल गया आपको उल्टा जवाब।